फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम EL 208 ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम की यूनिट फर्स्ट से मल्टीवे स्पीकर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले यह देखेंगे कि मल्टीवे स्पीकर सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनकी नीड क्यों है। साथ ही मल्टीवे स्पीकर सिस्टम के लिए जो क्रॉसओवर नेटवर्क डिज़ाइन किया जाता है वह क्या होता है, और एट लास्ट हम स्टडी करेंगे मल्टीवे स्पीकर्स, वूफर, मिड रेंज स्पीकर, स्क्वैकर और ट्वीटर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक सिंगल लाउडस्पीकर ड्राइवर को यूज़ करने के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से मल्टीवे स्पीकर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। ए सिंगल लाउड स्पीकर कैन नॉट हैव फ्लैट रिस्पॉन्स फॉर द होल ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम 16 Hz टू 20,000 Hz एंड नॉट इवन फॉर प्रैक्टिकल हाई फाई रेंज ऑफ 40 Hz टू 15,000 Hz। तो अकेला लाउड स्पीकर जो है वो कंप्लीट ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज 16 Hz टू 20,000 Hz के लिए फ्लैट रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। और अगर प्रैक्टिकल रेंज की बात करें तो प्रैक्टिकल जो हाई फिडेलिटी रेंज होती है वो 40 Hz टू 15,000 Hz होती है, जिसके लिए फ्लैट रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। बट अकेला लाउड स्पीकर इस प्रैक्टिकल रेंज के लिए भी फ्लैट रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए ही मल्टीवे स्पीकर सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम ओपन स्पीकर और एनक्लोज़र की बात करें तो ओपन स्पीकर में बैक साउंड वेव्स के अपोजिट फेज के द्वारा जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं वो वीक हो जाती हैं, और एनक्लोज़र में कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से इंट्रैप्ड एयर की कॉम्प्लियंस जो है वो कौन सिस्टम की कॉम्प्लियंस के साथ सीरीज में आ जाती है, जिसकी वजह से लाउड स्पीकर की रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। और चूँकि हम जानते हैं कि हाई फ्रिक्वेंसी पे डायफ्राम के मास की वजह से या इंडक्शन इफेक्ट की वजह से अटेन्यूएशन होता है, मींस लॉस होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि अकेला जो लाउड स्पीकर है वो गुड सॉलिड बास और स्मूथ क्रिस्प ट्रेबल प्रोड्यूस दोनों एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, और यह केवल एक्सेप्टेबल बास और ट्रेबल ही प्रोड्यूस करता है, जो कि हाई फिडेलिटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता। इसकी वजह से हम मल्टी वे इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से या इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से हम मल्टी वे स्पीकर सिस्टम को यूज़ करते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि सिंगल लाउड स्पीकर कंप्लीट ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, साथ ही हाई फिडेलिटी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल नहीं करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी वे स्पीकर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि कंप्लीट ऑडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कम से कम दो तथा सामान्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सेपरेट स्पीकर्स आर डिजाइन फॉर ईच पार्ट सो दैट ईच स्पीकर हैज़ टू कवर ओनली स्मॉल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। प्रत्येक पार्ट के लिए अलग अलग स्पीकर्स डिजाइन किए जाते हैं ताकि प्रत्येक स्पीकर को स्मॉल फ्रिक्वेंसी रेंज को ही कवर करना हो। अब इन स्पीकर्स को क्या कहते हैं, साथ ही इनकी रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी रेंजेस क्या हैं, मीन्स किन किन फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए इन स्पीकर्स को डिजाइन किया जाता है। द स्पीकर्स विच कवर लो फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम 16 Hz टू 1000 Hz आर कॉल्ड वूफर्स। तो वो स्पीकर्स जो कि लो फ्रिक्वेंसी रेंजेस को कवर करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 16 Hz टू 1000 Hz तक, तो उन स्पीकर्स को हम क्या कहते हैं, वूफर्स। मीन्स वूफर्स जो हैं वो लो फ्रिक्वेंसीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, साथ ही ये 16 Hz टू 1000 Hz तक की लो फ्रिक्वेंसीज को कवर करते हैं। The speakers which cover higher frequencies are called tweeters. और वो speakers जो कि high frequencies को cover करते हैं उन्हें tweeters कहा जाता है। Means tweeters जो हैं वो high frequencies के लिए design किए जाते हैं, और tweeter जो हैं वो around 5000 Hz के ऊपर कार्य करते हैं। Many a time a third speaker called squaker is used for mid frequency range from 50 to 500 Hz, and in that case woofer works up to 500 Hz। अधिकतर समय जो है थर्ड स्पीकर, जिसे कि स्क्वेकर या फिर मिड रेंज स्पीकर भी कहते हैं, वो 50 to 500 Hz की फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, एंड वूफर के कंडीशन में यह 500 Hz पर कार्य करता है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो अलग अलग स्पीकर्स हैं इन्हें क्या कहते हैं, जो स्पीकर लो फ्रिक्वेंसी रेंजेस को कवर करते हैं उन्हें वूफर्स कहते हैं, जो स्पीकर्स हायर फ्रिक्वेंसी रेंजेस को कवर करते हैं उन्हें ट्वीटर्स कहते हैं, और जो स्पीकर्स मिड रेंज फ्रिक्वेंसी को कवर करते हैं उन्हें स्क्वेक कर या फिर मिड रेंज स्पीकर कहते हैं। अब इन ये जो वूफर और ट्वीटर हैं इन्हें डिजाइन कैसे किया जा सकता है? तो वूफर और ट्वीटर्स कैन आइदर बी सेपरेट स्पीकर्स माउंटेड इन ए कॉमन एनक्लोजर और देयर कैन बी ए डुअल कोन लाउड स्पीकर। तो इन्हें एक कॉमन एनक्लोजर में अलग अलग स्पीकर की जैसे भी माउंट किया जा सकता है, साथ ही इन्हें एक डुअल कोन लाउड स्पीकर की तरह भी यूज किया जा सकता है। मीन्स इस प्रकार दोनों के लिए अलग अलग कोन सिस्टम यूज किया जा सकता है। तो अगर हम सेपरेटली इन्हें यूज ना करें तो इस टाइप से इन्हें माउंट किया जा सकता है, जैसे कि एक एनक्लोजर में यहाँ पे जैसे अलग अलग माउंट किया गया है ट्विटर, और ये जो यहाँ पे दिखाया गया है ये वूफर को शो कर रहा है, और डुअल कोन लाउड स्पीकर में ये जो कोन है वो वूफर के लिए डिजाइन किया गया है और ये वाला जो कोन है वो ट्विटर के लिए। तो इस प्रकार से इन्हें डिजाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्रॉसओवर नेटवर्क्स। तो क्रॉसओवर नेटवर्क्स क्या होते हैं? क्रॉसओवर नेटवर्क्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर्स की ही एक क्लास होती है जो कि स्पेशली ऑडियो एप्लीकेशंस में यूज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। व्हेन ए मल्टीवे लाउड स्पीकर सिस्टम इज यूज टू गेट फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स फॉर द इंटायर रेंज ऑफ ऑडियो फ्रिक्वेंसीज, इट इज इसेंशियल टू हैव ए क्रॉस ओवर नेटवर्क टू डिवाइड द इनकमिंग सिग्नल इंटू सेपरेट फ्रिक्वेंसी रेंजेस फॉर ईच स्पीकर। चूंकि जो मल्टीवे लाउड स्पीकर्स हैं वो सिस्टम क्यों यूज किया जाता है? ताकि जो कंप्लीट ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज है उसके लिए फ्लैट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स मिल सके। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो कंप्लीट ऑडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसे सामान्यतः 3 पार्ट्स में या फिर कम से कम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो इनकमिंग ऑडियो सिग्नल है जिसे हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज में डिवाइड कर रहे हैं प्रत्येक स्पीकर के लिए, तो इस पर्पस के लिए जिस नेटवर्क का यूज़ किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉसओवर नेटवर्क। तो ये क्रॉसओवर्स क्या करते हैं? Crossovers split the audio signal into separate frequency bands that can be separately routed to loudspeakers optimized for those band. इसे हम इस टाइप से समझ सकते हैं, जैसे कि ये एम्पलीफायर है, यहाँ से क्रॉसओवर नेटवर्क के इनपुट में ऑडियो सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ पे इसके इनपुट में क्या है, इनकमिंग ऑडियो सिग्नल। तो क्रॉसओवर नेटवर्क क्या करता है, इस ऑडियो सिग्नल को अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड में स्प्लिट करता है, डिवाइड करता है, और ये जो फ्रिक्वेंसी बैंड है ये उसके बाद रेस्पेक्टिव लाउड स्पीकर ड्राइवर को जाते हैं, जिसके लिए कि जो कि इस पर्टिकुलर बैंड के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्विटर और वूफर ये दो दिखाएं, ये एक टू वे क्रॉसओवर यूनिट है। ये जो कंप्लीट ऑडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है इसे हम अलग अलग फ्रिक्वेंसी बैंड में जो या तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे जैसे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो ये एक बेसिक टू वे क्रॉसओवर यूनिट है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो पर्टिकुलर इस ड्राइवर को असाइन किया गया है, जो कि ट्विटर, जो कि हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो जो हाई फ्रिक्वेंसी बैंड है वो किसे असाइन किया जाएगा, ट्विटर को, और जो लो फ्रिक्वेंसी रेंजेस हैं, लो फ्रिक्वेंसी बैंड है वो किसे असाइन किया जाएगा, यहाँ पे जो कि वूफर यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ये वूफर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वूफर क्या करते हैं कि लो फ्रिक्वेंसीज को कवर करते हैं, तो जो लो फ्रिक्वेंसीज हैं वो वूफर को असाइन की जाएंगी और जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं वो ट्विटर को असाइन की जाएंगी। तो इस प्रकार से ये क्रॉसओवर नेटवर्क होता है। इन द एब्सेंस ऑफ क्रॉसओवर नेटवर्क्स द स्पीकर्स विल सफर ओवरहीटिंग एंड द आउटपुट विल बी डिस्टॉर्टेड व्हेन फुल पावर एट फ्रिक्वेंसीज आउटसाइड देयर रेंजेस फेड टू देम।
अगर क्रॉस ओवर नेटवर्क को यूज़ नहीं किया जाए, मीन्स इस क्रॉस ओवर नेटवर्क की एब्सेंस में क्या होगा, तो क्रॉस ओवर नेटवर्क की एब्सेंस में जो स्पीकर है वो बहुत अधिक गर्म हो जाता है, और अगर रेंज के बाहर फ्रिक्वेंसी पे टोटल पावर फीड करें तो आउटपुट भी हमें डिस्टॉर्टेड मिलेगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि क्रॉस ओवर नेटवर्क की एब्सेंस में जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बेसिक टू वे क्रॉसओवर यूनिट दिखाई गई है, जिसमें इस सर्किट में यहाँ पे वूफर माउंट किया गया है और यहाँ पे ट्विटर। चूंकि हम जानते हैं कि वूफर्स जो हैं वो लो फ्रिक्वेंसीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं और ट्विटर्स जो हैं वो हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और क्रॉसओवर नेटवर्क्स जो हैं वो बैंडविड्थ लिमिटिंग फिल्टर्स को यूज़ करते हैं, ताकि जो इनकमिंग सिग्नल है, इनपुट सिग्नल है, उसे मल्टीपल आउटपुट्स में सेपरेट किया जा सके, डिवाइड किया जा सके। तो इसके लिए वूफर से पहले यहाँ पे लो पास फिल्टर को डिजाइन किया जाता है, ताकि जो इनकमिंग सिग्नल है उसे केवल लो फ्रिक्वेंसीज ही वूफर तक पास हो सके, हाई फ्रिक्वेंसीज को ये अलाउ नहीं करता है लो पास फिल्टर। और ट्विटर से पहले यहाँ पे हाई पास फिल्टर डिजाइन किया जाता है, ताकि यहाँ से ये हाई पास फिल्टर केवल हाई फ्रिक्वेंसीज को ही पास होने दे, लो फ्रिक्वेंसीज को ये ट्विटर तक अलाउ नहीं करता है। क्रॉस ओवर नेटवर्क्स मेक यूज ऑफ द फैक्ट दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, एक्स इक्वल्स टू 1/2 पाई एफ सी, एंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ आर। चूंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रिक्वेंसी के एंटी प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स अगर फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस में डिक्रीज होगा, और इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस में भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए लो पास एलसी फिल्टर अक्रॉस द वूफर एंड ए हाई पास एलसी फिल्टर अक्रॉस द ट्विटर। द लो पास फिल्टर परमिट्स ओनली लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी 16 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज टू गो टू द वूफर। द सीरीज रिएक्टेंस ऑफ एल एंड शंट रिएक्टेंस ऑफ सी फॉर हाई ऑडियो फ्रिक्वेंसीज प्रिवेंट्स दीज फ्रिक्वेंसीज फ्रॉम गोइंग टू द वूफर। यहाँ पे हम यही कहना चाह रहे हैं जो हमने अभी पहले ही बताया है, कि ये जो सर्किट्री है जहाँ पे डिजाइन की गई है लो पास फिल्टर की, चूंकि लो पास फिल्टर है वो केवल लो फ्रिक्वेंसी रेंज को ही कवर करते हैं, 16 हर्ट्ज़ टू 1000 हर्ट्ज़, इसकी वजह से यहाँ पे जो लो पास फिल्टर लगाया गया है वो केवल वूफर तक लो फ्रिक्वेंसीज को ही पास होने देगा, हाई फ्रिक्वेंसीज को ये परमिट नहीं करता है। द हाई पास फिल्टर कंसिस्ट ऑफ सी इन सीरीज एंड एल इन शंट अलाउज द हाई ऑडियो फ्रिक्वेंसीज टू पास थ्रू द ट्विटर एंड ब्लॉक्स द लो फ्रिक्वेंसीज। और ट्विटर से पहले जो हाई पास फिल्टर लगाया गया है, चूंकि ट्विटर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर करते हैं और अप्रोक्स 5000 हर्ट्ज़ के ऊपर ट्विटर कार्य करता है, तो ये जो हाई पास फिल्टर है ये ट्विटर तक केवल हाई फ्रिक्वेंसीज को परमिट करता है, लो फ्रिक्वेंसीज को परमिट नहीं करता है। द रेस्पॉन्स कर्व ऑफ ए टिपिकल क्रॉस ओवर नेटवर्क गिव्स अटेन्यूएशन ऑफ 12 डेसिबल पर ऑक्टेव। तो चूंकि जो इनकमिंग सिग्नल है वो मल्टीपल आउटपुट्स में सेपरेट होता है, और जो ये प्रत्येक आउटपुट जो होता है वो उसकी अपनी रेंज के नीचे और ऊपर, रेंज के बाहर एक उसका अपना स्लोप होता है, और ये जो स्लोप है उसे डेसिबल पर ऑक्टेव में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो टू वे क्रॉसओवर यूनिट दिखाई गई है, इस टिपिकल क्रॉसओवर नेटवर्क का फ्रीक्वेंसी ग्राफ अगर हम देखें तो उसका जो वो जो है लगभग 12 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू इस प्रकार फाइंड की जा सकती है, एल इक्वल्स टू RL√2/2 πfc, तो यहाँ से हमें इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, और सी इक्वल्स टू 1/2 πfc RL√2, इस प्रकार हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ पे RL जो है वो लाउड स्पीकर की इम्पिडेंस है ओम में, और FC जो है वो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी है, L यहाँ पे इंडक्टेंस है, और C जो है वो कैपेसिटेंस है।
हमने अभी टू वे बेसिक क्रॉसओवर नेटवर्क को डिस्कस किया था, जिसका कि फ्रिक्वेंसी ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो इनकमिंग सिग्नल है वो मल्टीपल आउटपुट्स में सेपरेट होता है, और ये जो प्रत्येक आउटपुट है, मीन्स ये जो प्रत्येक फ्रिक्वेंसी बैंड है, वो अपनी रेंज के नीचे या फिर रेंज के बाहर एक स्लोप प्रोवाइड करता है, मीन्स एक अटेन्यूएशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी कर्व है, इसके द्वारा 12 डेसिबल पर ऑक्टेव का और अटेन्यूएशन प्रोवाइड किया जाता है। ये अटेन्यूएशन फिल्टर के टाइप पे भी डिपेंड करता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर यूज़ किया गया है वूफर या ट्विटर से पहले, तो उसके द्वारा 6 डेसिबल पर उसकी पर्टिकुलर बेसिक क्रॉसओवर नेटवर्क के द्वारा का जो फ्रिक्वेंसी ग्राफ होगा, उसके द्वारा 6 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन दिया जाएगा। और चूंकि जो हमने अभी डिस्कस किया था उसमें हमने सेकेंड ऑर्डर फिल्टर को यूज़ किया, तो उसका जो फ्रिक्वेंसी कर्व है वो यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके द्वारा 12 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन प्रोवाइड किया जाता है। और इसी प्रकार अगर थर्ड ऑर्डर फिल्टर को यूज़ किया जाता है, तो उसके द्वारा 18 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन प्रोवाइड किया जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें फोर्थ ऑर्डर का फिल्टर अगर यूज़ किया जाए, तो उसके द्वारा 24 डेसिबल का अटेन्यूएशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका मीन क्या है, जैसे कि 6 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन प्रोवाइड करना, तो इसका मीन क्या होता है? तो एक 6 डेसिबल पर ऑक्टेव क्रॉसओवर जो है वो क्रॉसओवर पॉइंट से स्टार्ट होते हुए प्रत्येक ऑक्टेव में सिग्नल लेवल को 6 डेसिबल से रिड्यूस करता है। यहाँ पे एक बेसिक थ्री वे क्रॉसओवर नेटवर्क को शो किया गया, जिसमें कि इस प्रकार ट्विटर, स्क्वैकर और वूफर को माउंट किया गया है। ट्विटर जो कि हाई फ्रिक्वेंसी रेंजेस को कवर करते हैं, स्क्वैकर जो कि मिड रेंज स्पीकर्स होते हैं, और वूफर जो कि लो फ्रिक्वेंसी रेंजेस को ही कवर करते हैं। इनसे पहले यहाँ पे बैंडविड्थ लिमिटिंग फिल्टर्स लगाए गए हैं, जो कि इनकमिंग सिग्नल से रेस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसी रेंज को ही अलाउ करते हैं, पर्टिकुलर ये जो स्पीकर्स हैं इनके लिए। तो यहाँ पे जैसे कि ये फिल्टर यहाँ पे लगाया गया है, जो कि जिसमें कि कैपेसिटर जो है यहाँ पे 1 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटेंस ये प्रोवाइड करता है, या ये फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है। तो ट्विटर से पहले ये जो हाई पास फिल्टर है, ये क्या करता है कि जो जो इनकमिंग सिग्नल है उससे केवल हाई फ्रिक्वेंसीज को ही ट्विटर तक पास होने देगा, लो फ्रिक्वेंसीज और मिड फ्रिक्वेंसीज को ये अलाउ नहीं करता है ट्विटर तक। तो ओनली ये केवल हाई फ्रिक्वेंसीज को ही पास होने देगा। और यहाँ पे जो इंडक्टेंस यहाँ पे जो लगाए गए हैं, जो इंडक्टर यहाँ पे है LS1 और LS2, तो ये स्क्वैकर तक केवल इनकमिंग सिग्नल से मिड फ्रिक्वेंसीज को ही पास होने देते हैं, और जो बहुत ज़्यादा कम और बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज को स्क्वैकर तक पास होने से रोकते हैं। मीन्स बहुत कम और बहुत हाई फ्रिक्वेंसीज को ये प्रिवेंट करते हैं, ओनली मिड फ्रिक्वेंसीज को ही ये इस प्रकार का जो सर्किट है ये स्क्वैकर तक अलाउ करता है। वूफर से पहले जो यहाँ पे इंडक्टेंस LW जो कि 5 mH का इंडक्टेंस प्रोवाइड करता है, तो ये जो इंडक्टर है ये वूफर तक केवल लो फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करता है, हाई फ्रिक्वेंसीज को ये वूफर तक अलाउ नहीं करता है। तो इस प्रकार की सर्किटरी इसमें प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे चूंकि हम ये देख सकते हैं कि अभी हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर्स होते हैं वो 6 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन प्रोवाइड करते हैं, और जो सेकंड ऑर्डर फिल्टर होते हैं वो 12 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ट्विटर और वूफर से पहले फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर का यूज़ किया गया है, तो ये जो है 6 डेसिबल पर इनका जो फ्रिक्वेंसी ग्राफ होगा वो 6 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन प्रोवाइड करेगा। साथ ही स्क्वैकर से पहले चूंकि सेकेंड ऑर्डर फिल्टर का यूज़ किया गया है, तो फ्रिक्वेंसी जो कर्व है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें 12 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन प्रोवाइड होता है। तो ये यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कर्व दिखाया गया है बेसिक थ्री वे क्रॉसओवर यूनिट का, जिसमें कि वूफर जो कि लो फ्रिक्वेंसी रेंज को कवर करते हैं, यहाँ पे ये मिड फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए स्क्वैकर हैं, और ट्विटर जो कि हाई फ्रिक्वेंसी रेंज को कॉल आउट करते हैं। तो
ये यहाँ पे जैसे कि हमें 6 डेसिबल पर ऑक्टेव का स्लोप दिखाई दे रहा है, और यहाँ ट्विटर जिसके पहले भी मैंने फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर को यूज़ किया था, तो इसके द्वारा भी जो है 6 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन प्रोवाइड किया जाता है। और स्क्वैकर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जो मिड रेंज स्पीकर जो है ये, इसके द्वारा 12 डेसिबल पर ऑक्टेव का स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार ये हम देख सकते हैं कि जो एक 3-वे क्रॉसओवर यूनिट है उसका फ्रिक्वेंसी कर्व किस प्रकार होगा। तो वूफर, मिड रेंज स्पीकर और यहाँ पे ट्वीटर्स। तो वूफर के लिए हम कौन सा फिल्टर यूज़ करते हैं? लो पास फिल्टर, जो कि केवल लो फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करता है, हाई फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करता है। मिड रेंज स्क्वैकर के लिए बैंड पास फिल्टर को यूज़ किया जाता है, जो कि केवल मिड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करता है, लो और हाई फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करता है। ट्विटर्स जो कि उसके लिए हम हाई फ्रिक्वेंसीज हाई पास फिल्टर को यूज़ करते हैं, चूँकि ट्विटर जो है वो हाई फ्रिक्वेंसीज को ही कवर करते हैं, इसलिए हाई पास फिल्टर यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो कि हाई फ्रिक्वेंसीज को पास होने देता है और लो फ्रिक्वेंसीज को ब्लॉक करता है। लो और मिड फ्रिक्वेंसी, इस केस में ये लो और मिड फ्रिक्वेंसीज दोनों को ब्लॉक करेगा। ये लो फ्रिक्वेंसी क्रॉसओवर पॉइंट है, हाई फ्रिक्वेंसी क्रॉसओवर पॉइंट है यहाँ पे। नेक्स्ट है कंसीडरेशंस फॉर डिजाइनिंग क्रॉसओवर नेटवर्क, मींस क्रॉसओवर नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। द क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी फॉर वूफर ट्विटर सर्किट इज वेयर द वूफर आउटपुट कर्व क्रॉस इज द ट्विटर आउटपुट कर्व, मींस वूफर ट्विटर सर्किट के लिए क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी कहाँ पे होनी चाहिए। तो क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी वहाँ होनी चाहिए जहाँ पे वूफर आउटपुट का जो ग्राफ है वो ट्विटर के आउटपुट ग्राफ को क्रॉस कर जाए, जिसकी वैल्यू कितनी होती है नॉर्मली 1000 हर्ट्ज। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वूफर जो है वो 16 to 1000 हर्ट्ज के बीच आउटपुट देता है, और ट्विटर जो है वो 2 स्पीकर सिस्टम के लिए 1000 to 20 kHz तक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। और अटेन्यूएशन कितना होना चाहिए? तो अटेन्यूएशन बियॉन्ड द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर वूफर एंड बिफोर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी फॉर ट्विटर शुड प्रिफरेबली बी 12 डेसिबल पर ऑक्टेव, ऑल्दो 6 डेसिबल पर ऑक्टेव इज एक्सेप्टेबल फॉर इकोनॉमी मॉडल्स। तो वूफर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के परे और ट्विटर की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से पहले जो अटेन्यूएशन होना चाहिए वो प्रिफरेबली 12 डेसिबल पर ऑक्टेव होना चाहिए, ये हमने देखा भी है ग्राफ में। लेकिन इकोनॉमी मॉडल्स के लिए 6 डेसिबल पर ऑक्टेव का अटेन्यूएशन भी एक्सेप्टेबल होता है। फॉर ए 3-वे स्पीकर सिस्टम फ्रिक्वेंसी कवरेज टू द क्रॉस ओवर पॉइंट इज गिवन बिलो। 3-वे स्पीकर सिस्टम के लिए क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी कवरेज कितना होना चाहिए? तो वूफर के लिए जो फ्रिक्वेंसी कवरेज होता है वो 3-वे स्पीकर सिस्टम के लिए कितना होता है? 16 Hz to 5000 Hz। और स्क्वैकर्स जो कि मिड रेंज स्पीकर होते हैं वो 3-वे स्पीकर सिस्टम के लिए 500 Hz to 5000 Hz तक की फ्रिक्वेंसी को कवर करते हैं, और ट्विटर्स जो हैं वो 5000 Hz से 20 kHz तक की फ्रिक्वेंसी को कवर करते हैं, किसके लिए? 3-वे स्पीकर सिस्टम के लिए। जबकि 2-वे स्पीकर सिस्टम के लिए हमने अभी देखा था कि वूफर्स जो हैं वो 16 Hz to 1000 Hz तक की फ्रिक्वेंसी को कवर करते हैं, जबकि ट्विटर जो हैं वो 1000 Hz to 20 kHz तक की फ्रिक्वेंसी को कवर करते हैं। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का मान जो है, मीन्स इनकी वैल्यू प्रॉपर वे से फाइंड करनी चाहिए या कैलकुलेट की जानी चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स जो है उनका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई पोलराइजेशन डीसी करंट नहीं होती है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि हमें एक क्रॉसओवर नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए पता होने चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट आर वूफर्स, वूफर्स क्या होते हैं? तो अभी हमने जो मल्टीवे स्पीकर सिस्टम देखा उसमें हमने 2-वे स्पीकर सिस्टम के बारे में पढ़ा, साथ ही 3-वे स्पीकर सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो अलग अलग जो फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं जिनके लिए अलग अलग लाउड स्पीकर ड्राइवर डिजाइन किए जाते हैं, तो इनमें जो लो फ्रिक्वेंसी रेंजेस को कवर करने के लिए जो स्पीकर होता है उसे हम क्या कहते हैं? वूफर्स। तो ये वूफर्स के बारे में ही यहाँ पे कुछ डिटेल
में देखते हैं. ए वूफर इज ए स्लैंग टर्म फॉर लाउड स्पीकर ड्राइवर डिजाइन टू प्रोड्यूस लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स टिपिकली फ्रॉम अराउंड 40 हर्ट्ज अप टू अबाउट ए किलो हर्ट्ज और हायर. तो जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स हैं लगभग 40 हर्ट्ज से लगभग कुछ किलो हर्ट्ज या फिर उससे भी ज़्यादा, तो इस टाइप की जो लो फ्रिक्वेंसी साउंड्स हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए वूफर का यूज़ किया जाता है. द मोस्ट कॉमन डिजाइन फॉर ए वूफर इज द इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्राइवर विच टिपिकली यूजेज ए स्टिफ पेपर कॉन ड्राइवन बाई ए वॉइस कॉयल विच इज सराउंडेड बाई ए मैग्नेटिक फील्ड. द वॉइस कॉयल इज अटैच्ड बाई अधेसिव्स टू द बैक ऑफ द स्पीकर कॉन. द वॉइस कॉइल एंड मैग्नेट फॉर्म ए लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर. तो जो सबसे कॉमन डिजाइन है वूफर की वो कौन सी है? इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्राइवर, जो कि एक स्टिफ पेपर कॉन का यूज करती है और साथ ही वॉइस कॉइल के द्वारा इसे ड्राइव किया जाता है. ये वॉइस कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से सराउंडेड होती है, मीन्स वॉइस कॉइल चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड से घिरी होती है. वॉइस कॉइल एक स्पीकर कॉन के पीछे की तरफ से चिपकी होती है. वॉइस कॉइल और ये जो मैग्नेट है वो दोनों मिलके एक लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर को फॉर्म करते हैं, लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर बनाते हैं. और जैसे ही वॉइस कॉइल में करंट फ्लो की जाती है तो ये जो वॉइस कॉइल है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉइल ड्राइवर कॉन पर पिस्टन की जैसे धक्का देती है या इस ड्राइवर कॉन को पुश करती है, जिसकी वजह से कॉन में रिजल्टिंग मोशन होता है, मींस कॉन जो है वो मोशन में आ जाता है, कॉन में गति आ जाती है, कॉन में मूवमेंट होता है. और जिस इसी कॉन में जो ये मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से ही साउंड वेव्स जो हैं प्रोड्यूस होती हैं. तो इस प्रकार ये वूफर की जो कॉमन डिजाइन इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्राइवर है, इसमें इस प्रकार से कार्य होता है, मीन्स ये इसकी वर्किंग है. Woofers are generally used to cover the lowest octaves of a loudspeaker's frequency range. ये woofers जो हैं वो loudspeaker की frequency range के lowest octaves को cover करने के लिए use किए जाते हैं. In two-way loudspeaker systems, the drivers handling the lower frequencies are also obliged to cover a substantial part of the mid-range, often as high as 2,000 to 5,000 hertz. Such drivers are commonly termed mid-woofers. टू वे लाउड स्पीकर सिस्टम में ड्राइवर्स जो कि लो फ्रिक्वेंसीज को हैंडल करते हैं उन्हें मिड रेंज 2000 टू 5000 हर्ट्ज के भी कुछ पार्ट को कवर करने के लिए बाध्य किया जाता है. तो ये इस प्रकार के ये जो ड्राइवर्स हैं इन्हें हम मिड वूफर्स के नाम से जानते हैं. Since the 1990s, a type of woofer termed subwoofer, which is designed for very low frequencies only, has come to be commonly used in home theater systems and PA systems to augment the bass response. They usually handle the very lowest 2 or 3 octaves, that is from as low as 20 to perhaps 80 or 120 hertz. 90s के दौरान जो है एक वूफर जिसे कि सब वूफर नाम दिया गया, उन्हें बहुत ही लो फ्रिक्वेंसीज के लिए डिजाइन किया गया और इन सब वूफर्स को होम थिएटर सिस्टम और पब्लिक एड्रेस सिस्टम में बास रिस्पॉन्स को ऑगमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था. और ये जो सब वूफर्स हैं ये किस रेंज को कवर करते हैं? बहुत ही कम रेंज, क्योंकि ये बहुत ही लो फ्रिक्वेंसीज के लिए डिजाइन किए गए थे. और वो फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज टू परहैप्स 80 या फिर 120 हर्ट्ज. इतनी लो फ्रिक्वेंसीज को डिज़ाइन लो फ्रिक्वेंसीज के लिए सब वूफर्स को डिजाइन किया गया था 90s के दौरान. तो इस प्रकार ये कुछ अदर पॉइंट्स थे वूफर्स के बारे में. यहाँ पे ये वूफर शो किए गए हैं, इस टाइप के वूफर्स होते हैं. नेक्स्ट है ट्वीटर्स. हमने टू स्पीकर सिस्टम और 3 स्पीकर सिस्टम को डिस्कस किया है. तो 2 स्पीकर सिस्टम के लिए ट्वीटर्स जो हैं वो 1000 हर्ट्ज और उसके ऊपर के फ्रिक्वेंसीज को कवर करते हैं और 3 स्पीकर सिस्टम के लिए ट्वीटर्स जो हैं वो 5000 हर्ट्ज और उसके ऊपर के फ्रिक्वेंसीज को कवर करते हैं. तो सामान्यतः हम कह सकते हैं कि ए ट्वीटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लाउड स्पीकर यूजली डॉम और हॉर्न टाइप दैट इज डिजाइन टू प्रोड्यूस हाई ऑडियो फ्रिक्वेंसीज टिपिकली फ्रॉम अराउंड 2000 हर्ट्ज टू 20
किलोहर्ट्ज़। तो ट्वीटर वो स्पेशल टाइप के लाउड स्पीकर होते हैं, जनरली डॉम और हॉर्न टाइप के ट्वीटर, जो कि हाई ऑडियो फ्रिक्वेंसीज को प्रोड्यूस करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी सामान्यतः 2000 Hz to 20 kHz। कुछ सुपर ट्वीटर्स भी होते हैं जो कि 8 kHz और उसके ऊपर की फ्रिक्वेंसीज को कवर करते हैं। स्पेशलिटी ट्वीटर्स कैन डिलीवर हाई फ्रिक्वेंसीज अप टू 100 kHz। कुछ ट्वीटर्स स्पेशल टाइप के होते हैं जो कि 100 kHz तक भी रिस्पॉन्स देते हैं। नियरली ऑल ट्वीटर्स आर इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्राइवर्स यूजिंग ए वॉइस कॉइल सस्पेंडेड विद इन ए फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड। दीज डिजाइन ऑपरेट बाई अप्लाइंग करंट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ एन एम्पलीफायर सर्किट टू ए कॉइल ऑफ वायर कॉल्ड ए वॉइस कॉइल। जनरली सभी ट्वीटर्स जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्राइवर्स होते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्राइवर को हमने लाउड स्पीकर के टाइप में पढ़ा है, उसी बेसिक प्रिंसिपल पे ट्वीटर्स भी कार्य करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक वॉइस कॉइल को फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, जिसमें कि वो मोमेंट के लिए इंडिपेंडेंट होती है। जब इस वॉइस कॉइल पे एम्पलीफायर सर्किट के आउटपुट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की जाती है, तो वॉइस कॉइल एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ये वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कि वॉइस कॉइल को प्लेस किया जाता है, उसके अगेंस्ट कार्य करता है। मींस इस प्रकार इन दोनों में इंटरेक्शन के फलस्वरूप एक फोर्स कार्य करता है वॉइस कॉइल पे, जिसकी वजह से वॉइस कॉइल में मूवमेंट होते हैं। चूंकि वॉइस कॉइल से डायफ्राम अटैच्ड होता है, तो वॉइस कॉइल में मूवमेंट होने की वजह से डायफ्राम में भी वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये जो मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है इसमें, वही उसी के फलस्वरूप एयर में साउंड प्रोड्यूस होता है और हमें हाई साउंड्स सुनाई देते हैं। इन वाइब्रेटिंग ये जो वॉइस कॉइल का वाइब्रेटिंग मोशन है, जिसके फलस्वरूप डायफ्राम में वाइब्रेटिंग मोशन होता है, और उसी के फलस्वरूप जो है ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस जो है वो एयर में साउंड की जैसे प्रोड्यूस होते हैं और हमें हाई साउंड सुनाई देते हैं। तो यही बेसिक प्रिंसिपल जो है उस पे ट्वीटर्स कार्य करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ट्वीटर्स आर डिजाइन टू रिप्रोड्यूस फ्रिक्वेंसीज अप टू द फॉर्मली डिफाइंड अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन हियरिंग रेंज। टिपिकली लिस्टेड इज 20 kHz, सम ऑपरेटेड फ्रिक्वेंसीज अप टू अप्रोक्सीमेटली 30 kHz। तो मोस्ट ऑफ द जो ट्वीटर्स हैं वो फ्रिक्वेंसीज को जनरली जो ह्यूमन हियरिंग रेंज की अपर लिमिट है वहाँ तक प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जो कि कितनी है ह्यूमन हियरिंग रेंज की अपर लिमिट 20 kHz। बट कुछ ट्वीटर्स जो हैं वो 30 kHz की फ्रिक्वेंसी को प्रोड्यूस करने के लिए भी ऑपरेट करते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस टाइप का ट्विटर की डिज़ाइन है, इस टाइप के ट्विटर्स होते हैं। ये एक कटवे व्यू है ट्विटर का। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्विटर्स। तो ये सब टाइप्स हैं ट्विटर के, ऑन ट्विटर, डॉम ट्विटर, पिजो ट्विटर, ड्रिबन ट्विटर, प्लेनर मैग्नेटिक ट्विटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्विटर, एयर मोशन ट्रांसफॉर्मर ट्विटर, ऑन ट्विटर, प्लाज्मा ट्विटर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्विटर है उसमें स्मॉल कोन परमानेंट मैग्नेट स्पीकर होता है, बाकी जो सभी ट्विटर्स हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्राइवर्स होते हैं और उसी बेसिक प्रिंसिपल पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मिड रेंज स्पीकर्स, या जिन्हें स्क्वैकर्स भी कहा जाता है। ए मिड रेंज स्पीकर इज ए लाउड स्पीकर ड्राइवर दैट रिप्रोड्यूसेस साउंड इन द फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम 500 to 5000 Hz। इट इज आल्सो नोन एज ए स्क्वैकर। लाउड स्पीकर ड्राइवर जो कि लगभग 500 to 5000 Hz की रेंज में फ्रिक्वेंसीज को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें मिड रेंज स्पीकर के नाम से जाना जाता है। इन्हें स्क्वैकर भी कहा जाता है। मिड रेंज ड्राइवर्स आर यूजुअली कॉन टाइप्स और लेस कॉमनली डोम टाइप्स और कंप्रेशन हॉर्न टाइप्स हॉर्न ड्राइवर्स। जनरली मिड रेंज ड्राइवर जो है वो कॉन टाइप, डोम टाइप और कंप्रेशन हॉर्न टाइप के होते हैं। द रेडिएटिंग डायफ्राम ऑफ ए कॉन मिड रेंज यूनिट इज ए ट्रंकेट कॉन विद ए वॉइस कॉइल अटैच्ड एट द नेक अलोंग विद द स्पाइडर पोर्शन ऑफ द सस्पेंशन लाइक दिस एंड विद द कॉन सराउंड एट द वाइड एंड। कॉन मिड रेंज यूनिट की जो
रेडिएटिंग डायफ्राम है वो एक ट्रंकेट कोन होता है जिसकी गर्दन पे वॉइस कॉइल अटैच्ड होती है, साथ ही सस्पेंशन के साथ स्पाइडर सिरे तथा वाइड सिरे पर चारों तरफ से कोन अटैच्ड होता है इसके। कोन मिडरेंज डाइवर्स जो हैं वो स्मॉल वूफर्स के जैसे ही लगते हैं। यहाँ पे एक डायनेमिक मिडरेंज स्पीकर का कटवे व्यू दिखाया गया है जिसमें जो ये फर्स्ट है ये मैग्नेट को शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये मैग्नेट है, सेकंड कूलर, थर्ड वॉइस कोइल जो है वो यहाँ पे अटैच्ड होती है इसमें, जो कि इसकी गर्दन वॉइस कोइल जो ये ट्रंकेट कोन है इसकी गर्दन पे अटैच्ड होती है। और ये फोर्थ जो है ये सस्पेंशन का स्पाइडर पोर्शन है यहाँ पे, और ये फिफ्थ जो है वो मेम्ब्रेन है। तो इस प्रकार का ये कटवे व्यू है एक मिड रेंज स्पीकर का। इस प्रकार ये कंप्लीट लेक्चर था मल्टीवे स्पीकर सिस्टम के बारे में। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।